लगता है अलग जी आ गए। पापा मैं देखता हूँ। हाँ हाँ बेबी। अरे आइए आइए। अरे आइए आइए अलग जी। कैसे आप? आइए 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 बैठिए। आइए आइए आओ भीड़ मत करो। तुम यहाँ बैठ जाओ। बैठिए बैठिए। संभाल के संभाल के। ये अलग जी है। सत श्री अकाल जी। नमस्ते 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 नमस्ते। और अलग जी ये है मेरा गोकुलधाम परिवार। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आखिर में गोकुलधाम परिवार को मिलने का अवसर मुझे मिल ही गया। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आप सबकी। हमने भी हाथी भाई से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। अरे थैंक यू थैंक यू। और गोली बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम खा पी के मजे में हूं। वो तो ठीक है। ये बताओ तुम्हारी मेडिकल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास। और बाकी सारे बच्चों तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अलग जी ये बिट्टू है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा आप बिट्टू हो। सबसे पहले ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा 50% प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया। और बाकी का 50% मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे वाह, अलग भाई का बात करने का तरीका बहुत फ्रेंडली है। अच्छा बिट्टू एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, पर अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे मंजिल के रास्ते में एक शेर है तो तुम क्या करोगे? उस रास्ते पे चलोगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली वो शेर के सामने जाएगा तो शेर ही से पनीर टिक्का समझ के खा जाएगा। अरे वही तो, आप उस आदमी में भरोसा करते हो जो आपको ये बता देता है कि रास्ते में शेर है, लेकिन हो सकता हो कि वहां कोई शेर हो ही ना। और ये भी हो सकता है कि आप उस शेर को हरा सकते हो। माफ करना अलग जी, लेकिन इस कहानी का बिट्टू के प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? दरअसल ये कहानी बिट्टू की ही है। वो मंजिल इसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है और पढ़ाई उसका रास्ता है, और वो शेर है फेल होने का डर। दरअसल वहां कोई शेर है ही नहीं। बिट्टू के मन ने उस शेर को वहां पे क्रिएट किया है। इंसान कोशिश करे तो शेर को भी हरा सकता है, पर जो कोशिश ही नहीं करे वो तो पहले ही हार गया है। सही बात है अलग जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हाँ हाँ बिल्कुल सही दृष्टांत दिया है आपने, मान गए आपको। ओ हाँ पुत्र, ओ जिंदगी में कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। यस, उसके फट्टे चक देने चाहिए।